तुम यहाँ खड़ा खड़ा क्या करता? तुम्हारा पुलिस नहीं पकड़ता है? फेर का बोलो, मैं समझ में नहीं आया। ए मैन, तुम इधर खड़ा खड़ा क्या करता? क्या तुम्हारा पुलिस नहीं पकड़ता? पुलिस पकड़ता? मैं तुम्हारे यहाँ पुलिस पकड़ता क्या? यस। हमारे यहाँ पुलिस नहीं पकड़ता, हमें तो खुद पकड़ना पड़ता। हमारा कंट्री में पुलिस पकड़ता है। भाई इतनी फैसिलिटी दे रखी है तुम्हारे यहाँ? ए मैन, तुम्हारा कैसा पुलिस है? हमारे तो बड़े कम वक्त है, हमारे यहाँ तो ठाली की चल रहे है, फ्री की तनख्वाह ले रहे गवर्नमेंट से। हमारे यहाँ कम वक्त कोई नहीं पकड़ता, हमें तो खुद पकड़ना पड़ा। तुम्हारे यहाँ इतनी फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ तो फ्री की तनख्वाह ले रहे, हमारे यहाँ कोई नहीं पकड़ता। हमारी कंट्री में पुलिस पकड़ता है। तुम्हारे यहाँ तो पूरी फैसिलिटी दे रखी है कंट्री में। फिर यहाँ की फिर यहाँ डाका डालोगे हिंदुस्तान में? डाका डालेगा साले अंग्रेजों से, मैं पहली बार था जासूसी करवा रहे देश में इन अंग्रेजों से, तो ऐसी परेशान था मैं। मैं महात्मा गांधी चला गया अंग्रेजों के चक्कर में, तो हमारे बापूजी चले गए, इन्हें साले खदेड़ते, पर ये नहीं माने। तुम जैसे जासूसी दे रहे हो ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरी कुर्बानी दे गए इन सालों को भगाने के चक्कर में, जासूसी दे रहे। नहीं निकला, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर नहीं आ रहे। तो क्या बोलता है? भाई इधर आओ, साला जासूसों को लिए फिरो, साला डकैती डरवाओगे, साले डकैती डरवाओगे सारे देश में, साले साले डकैती डरवाओगे सारे देश में, इन्हें पुलिस पकड़ता, साले साले पेशाब करते हुए तंग कर रहे हैं, साले लिए फिरो अंग्रेजों को, बोला साले अंग्रेजों से मैं वैसे फूकू, साले पेशाब करने में पाबंदी लगा रहे हो, पेशाब करने में भी भूल जाओ, शेख से लेके आ रहा, पेशाब करने में पाबंदी लगा दो शेख को। वो शेख चिल्ली, वो आइयो बहुत से जल्दी जल्दी आओ, आ लिया जल्दी आ जाओ आप। अरे चाहे तो 50 रुपए दे या मत दे, आज तो अंदर नहीं जा सकता। अरे सुनता अरे बाबू से बिगड़ा जाऊ, बदला तो बदला, पर तू नहीं बदला, खुश क्यों हो रहा? वाह, गुजरी की तो बात एक है। हाँ।
धुलिया चेंज कर रखा मैं न्यू देख रहा हूँ। अरे तो तू ही कह रहा कल मेरे से, तेरी भाभी को तू बहुत बुरा लगा है, पैंट बुरशेंट में न्यू कह रही हूँ की धोती कुर्ता तुम्हारी तरह पहन रहे थे बहुत अच्छे लगेंगे। आदियों बात है, मैंने तो उसके ऊपर बदले, तेरे ऊपर थोड़ी बदल रहा हूँ। न्यू तो कह रही तेरी भाभी। आरे भाभी जी, ये दोनों नौकर ना काम चोर है बिल्कुल, सुबह से अब तक हाथ तोड़ रहे हैं। ये कह रही है लौट रहे हैं, और काम कौन करेगा, काम के इनका बाप करेगा। मुझे नहीं पता कौन करेगा काम वाम, ऐसे नौकर ला के रख दिए मेरे सर पे जो काम करे ना का, ये तो देवर जी की शरम है जो कुछ ना कहते हम। देखो भाभी जी, मेरी कोई शरम मत करो, जैसा तुम्हारी मर्जी वैसे करो नौकर के साथ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। झाड़ू क्यों उठाए फिर हाथ में, तू हमें नहीं तो बता दे और क्या करूं? और अब तक इनसे सुबह से ज्वार ना बोई खेत में। रामलाल ये कुछ करे भी है तेरे नौकर, जिस दिन से आए मैं ठाली की तोड़ रही। अब इससे कह जो कुछ कहना अपने देवर से लाडले से। देखो भाभी जी, आज इन्हें रोटी मत ना दो और रात रात में सारी छकड़ी भूल जाएंगे और कल से बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करने लगेंगे। ये बात तो सही कह रहे हैं देवर जी, बिल्कुल आज रात को इन्हें खाना ना दूं बिल्कुल भी, और रात को तो चले क्या सुबह भी ना दूं इन्हें। हाँ भाभी इस बात का ध्यान रखियो, अब आज का खाना भी सुबह ही दियो और फिर देखना है कैसे काम करना शुरू करें एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा चौधरी अब चलूं मैं। चल दिया रामलाल। हाँ और क्या करूं। एक बात और याद रखिए भाई। हाँ तो मेरी बात याद है। कौन सी? पैंट बुरशेट मत पहन ली। अरे कैसी बात कर रही है चौधरी, मैं भाभी को नाराज थोड़ी करूँ, प्यारी भाभी है मेरी। ठीक है चला। अच्छा तो चौधरी एक आध गिलास पानी पी के अपने ठंडी से होगा, तू भी लेट अपना चल। सुधार दियो ने। हाँ बस सुधर जाऊंगी तो तन्ना तो सुधारे और मन्ना सुधारे, बात एक ही है। सुधार दियो ने। ठीक है अरे पैंट बुरशेट परवाऊंगा तुझे, घर में बीज बो रहा। इन्होंने तो बचाओ खाना अंदर रख दिया, अब हमें कहाँ से देंगे? अंदर रख दिया? अरे ठीक कर रहा है यार तू। तो रख दिया ही मोटी तो लग रही है। अच्छा ठीक है मैं पूछता हूँ। अरे भाई चौधरी साहब, अरे महाराज का खाना कहाँ है, मेरा बच्चा तो भूखा रो रहा। आज इन्हें बिल्कुल भी खाना नहीं दूं। ठीक है मैं कर ली, आप तो भूखे सोना पड़ेगा। भूखे तो नींद भी नहीं आने की मुझे। चौधरी का फैसला लगा के भाई मेरी भी नहीं चलती, कोई बात नहीं बेटे, अल्लाह का नाम लेके और एक का गिलास पानी पी के सो जाएंगे बेटे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ Thank you.
बाबू मैंने सवेरे मना किया, सवेरे मना किया इतनी मेहनत मत कर मत कर मत कर, और फिर भी इतनी मेहनत करा, लगवानी ना चोट। बेटे काम तो करना ही पड़ेगा जब तेरी अम्मी से लड़के आए। अम्मी से लड़का है तो काम कैसे करना, मैं नहीं कर रहा। राले देख, मैं कुछ फली भी नहीं फोड़ता हूँ और फिर भी खाना खाता हूँ राले का चौधरी का। हाँ ठीक है, खाता है। बेटे अब हम यहाँ से जो है परदेश में है, घर से निकलते ही परदेश हो जावे। मगर अब एक बात बताओ, हाँ ये साला एक टाइम खाना देता, भूख लगती है, मेरे में तो भूखा काम होगा नहीं। देख बेटा जो भी मिले उसी में गुजारा कर लेगा, अब हम परदेश में है, कोई घर में नहीं है। मैं परदेश देश परदेश की बात नहीं कर रहा, और खाने कमाने की बात कर रहा हूँ। खाने कमाने की बात तो कर रहा बेटा, अब जितनी मिले उतनी में गुजारा कर लेकर, एक टाइम में अपना गुजारा कर ले कर रहे। देखो वो मेरे पे तो रह नहीं जाता भूखा, पर क्या करूँ, तेरी गैल मरना पड़ रहा मुझे भी। हाँ चल जल्दी लगा, अब जो है काम का टाइम हो गया, अब खड़ा हो ले, नहीं तो साला चौधरी गाली देगा। गाली देगा? हाँ दे दे साले को गाली देगा तो। हाँ? एक टाइम खाना देता, अब साज को भी खाना नहीं देगा साला, मैं रोज भूखा सोता हूँ। बेटे मेरे हिस्से का खाना खा लेकर तू, फिर तू मर जाएगा। अरे मैं कम खा ले करूँगा साली, चौधरन साली बचा कर रख दे अंदर घर में। हाँ, है नी? हाँ, आज साला को जुगाड़ करते घर में का। ठीक है देख, शेख चिल्ली की चाल देखना तो। ठीक है चलो तो देखना अब आज, आज साले का कर दूंगा। ठीक है तो चलो, ठीक है नहीं आज घर में ही घुस ले, आज दिखा दूंगा शेख चिल्ली की चाल कैसी होती है। ठीक है आज चाल से काम लूंगा। ताजी खाना बेटे की जान, और हमें हमें बासी खिलाएगी। चौधरन चौधरन सुनती हाँ जी, क्या है? कई कई हाथ मारने पड़े। खाना वाना बनाया कि ना? हाँ खाना तो बन गया। बन गया? हाँ। बन गया तो ले आ, तो ला रही हूँ, तसल्ली कर लिया करो, तसल्ली एक स्वर मचा के रख दो। मेरे पे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तुझे पता तो ही, पता तो है मुझे, फिर भी तसल्ली करा करो थोड़ी सी। तसल्ली करा करो, तसल्ली करा करो, हर वक्त लड़म लड़ा।
जल्दी लिया, बस भूख बहुत बुरी लग रही मुझे। लिया नहीं, कोई ना कोई आ टपकेगा, और ना तो और तेरा लाडला देवर रामलाल यहाँ जा रहा। थोड़ी तसल्ली भी रख लिया करो। मैं कह रहा हूँ तो रोटी लाके धर दे, कोई ना कोई छाती पे अटक के आराम से तुम रोटी तो खा लेंगे। भाभी का आशीर्वाद है और क्या है, तो बस यही है। तो मुझे बता चौधरन, एक काम कर, एक कटोरी में दाल और एक गिलास पानी और लिया। ना मैं तो खा के आया हूँ, खाना पेट फुल हो रहा है एकदम। खाले बावले तेरी भाभी का हाथ में बनाया खाना। भाभी ने बनाया? भाई साहब बूझ ले। हाँ भाभी बूझ ले मेरा। अच्छा आज आपने बनाया खाना? यू हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाया है खाना। नालायक जो छोड़ रखे हैं वे भी बना देना कभी कभी। अजी बहुत तो बस हराम की खा मैं। आपने बनाया था तो मैं खाई लूँ। बड़े प्यार से बनाया वैसे देवर जी। तन्ने भी खा ली रोटी वोटी ना? अजी अभी कहाँ खाई है मैंने, भले आप खा लो मैं खा लूँ। भाई साहब खाना अपने हाथों से बनाया मैंने, खा के बताओ कैसा बनाया। बस भाभी के हाथ का तो खाना पड़ेगा, अच्छा जहर भी हो। मुझे पता ना है का मैं पीछे भी खा जाऊंगा। मुझे पता खाना तो बढ़िया आग है, खाना तो बहुत बढ़िया है। हाँ बढ़िया तो मुझे लग रहा है, कुछ खाना बढ़िया सा लग रहा है। स्वाद ज्यादा बढ़िया सा ना लग रहा है? हाँ भाभी के हाथ का। भाभी का हाथ के ना दाल तो। हाँ पीनो में तो भाभी का हाथ के ना। बस एक चिल्ली अब आज तो बड़ी गुट्टो गुट पी रहे है, क्या माल पी रहे है। मगर एक बात है अब्बू। हाँ? तुम मत खा लेना दाल को। दाल को ना खा लेना? हाँ। क्या बात है अब्बू? यही तो बात है, ये तेरे सेक की चाल है, इलाज खा लंदे। सेक की चाल है? हाँ। मेरे बेटे एक गिलास पानी और ले लिया अपने देवर को। एक बात तो बताओ, वे जो नालायक नौकर ला के दिए मैंने, काम ठीक ठाक कर रहे ना? अब उन्हें रात का खाना दूंगी जाके। एक बात सुनो, एक काम करो, अब रात का बंद कर दो। अब रात का बंद कर दो, फिर देखो कैसे लाइन पावे दोनों के दोनों। हरामी बहुत है। ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा। इस बात में तो सही कहो भाई साहब। खाना रात का भी बिल्कुल बंद कर दो, जैसा मैं कहूँ वैसे करते रहो बस। ठीक है ऐसे करो। अच्छा तो ऐसा मैं चलूं, खाना तो आज ज्यादा ही टेस्ट है भाभी का हाथ का। खाने का तो टेस्ट ही अलग है। मिलता रहिए रामलाल। Oh!
चौधरन कैसा माथा पकड़े बैठे तू? ये बताओ मेरी तो सवेरे से टूटली दही, जब से तन्ने वो खाना खवाया ना खवाया कहा गेर रखा उसमें तन्ना। क्या हो गया? क्या हो गया क्या हो गया, चार पांच बार जा लिया खेतों में फिरूं सवेरे से लार लगा लो टट है। तुम तो चार बार चले गए है? मैं तो छह बार होके आ गई, मुझे ना पता कुछ भी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा। तू भी छह सात बार जा ली? अच्छा ना ठीक है। ओहो मान लिया कौन हो, अरे ओहो चौधरी रामलाल कैसा बात है? बस बात बात कुछ ना, मेरा होश हवास सब खत्म हो गया। कैसे लांग वांग खोले फिर यार, कैसे डिब्बा ठा रखा है बच्ची का? अरे चौधरी लांग पांग ना होश हवास बनने बांध है के जब से हंसे दाल खा के गया हूँ। अच्छा, और जब से होश हवास खत्म उठू और बैठू बस गया नी, और पूरा झाग सा जा रहा था कपड़े धो ले, पता नहीं क्या है। तू भी इस चीज का शिकार हो? शिकार बस बुरी हालत है। और महाराज तेरी बाबे का तो बस हाल ही मत पूछे। अच्छा हाँ भाई, सवेरी से मैं तो देखा बाढ़ वाले खेत में पड़े हुए, मुझे पता नहीं घर कहाँ और रात कहाँ। चौधरा ने एक बात तो बता। हाँ पूछो। ये दाल बनाई किसने ही? दाल तो मैंने बनाई थी, पर मैंने दाल तो उन दोनों नौकरों को भी दी थी। उन्हें भी दी? उन हराम जादों को तो कुछ भी ना हुआ, एक बार भी न गए वो तो। कुछ भी ना हुआ? वह हमारा क्या होता है? इधर थारे करवा गाड़ी आ रहे, थारे थारे करवा है। अरे भूखे मार रखे चौधरी हो तुमने, जिस दिन से हम यहाँ आए तुमने भी ना खाया। हमने क्यों नहीं खा दिया? थारे करमा गाड़ी आ रहे, हमारे कर्म खराब थोड़ी है। अरे तो हमारे कर्म ऐसे हैं जो इस काम के लोग हम खेतों में पड़े रहे। खेतों में पड़े रहा पड़े रहा, हमारी जिम्मेदारी इस बात की। अरे दाल तो तुमने भी खाई, हमने खूब पी, हमने तो खूब खाची घोटो से। चल चल ऐसा है, मुझे तो इन दोनों की चाल लग रही है। एक काम कर भाभी, अब इन्हें जो है बिल्कुल खाना देना बंद कर दे, इन्हें सड़क सबूर आ जाओगा। सही कह रहे हो भाई साहब, मरवा दिए हम, और मैं चल रहा हूँ घर को, मेरी अभी हालत सही ना है। अच्छा पहुंचो भाई साहब, ठीक है, इन्हें खाना दो ही ना, बिल्कुल बंद कर दे। आराम करिए रामलाल, भाई साहब आराम से निकलियो। हार्दिका मिलता रहिए भैया। अबे मेरे सैकिली बेटे, अबे कैसे टूट रहा है? अबू अबू इन्होंने तो रोटी आ गई है, भूख लग रही है, इन्होंने दाल बिठा के रख दी। रख दी बेटे, एक दो दिन और देख ले, इसके बाद यहाँ पे अपना हिसाब लेकर अपना चलेंगे भैया अपने घर को। अबू एक बात है। हाँ एक बात है अबू। हाँ बता। मेरी एक तरकीब याद है। क्या तरकीब याद है? आज रात को तुम्हें नहीं लग रही भूख? नहीं बताओ मुझे। अरे मुझे तो बेटे तेरे से ही बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ तो सुनो, आज रात को खैचरतान बनेंगे। खैचरतान? हाँ वो खैचरतान, खैचरतान बनकर तो मैं खाना खिलाऊंगा मैं। अरे वो मेरे बेटे कैसे बनेगा खैचरतान? खैचरतान बनूंगा। ओ अबू वो रस्सी दिख रही है? रस्सी वो हाँ हाँ दिख रही। आज रात को हाँ इस रस्सी से मैं खैचरतान बनूंगा। अच्छा, और फिर देखो मैं कैसे खवाता तुम्हें खाना। अरे मेरे बेटे देख लिया, देखो आज देखो रखना ठाक है। ठीक है ठीक, रात को देखा शेर चिल्ली की तरकीब देखो। भैया ये तो खराब है, देखना मुझे। इंडियन ट्री पेड़ पर क्या लटकता है? पेड़ पर बेल पत्थर लटकता। वेरी गुड इंडियन ट्री, पेड़ पर पत्थर लटकता है, बेल मोटा है इसको लोग खाते हैं। तुम्हें बताओ मुझे रात को नींद भी नहीं आई सालो, मैं चक्कर में था, मुझे पता थी तुम कुछ ना कुछ जासूसी दोगे अंग्रेजों को, अच्छे मुसालों को। एक बात बताओ, हराम जाता जो तुम्हें बताया अंग्रेजों को मुश्किल से भगाया, इन्हें सारी जासूसी दे रहे हो, अरे छिपा कर रखा है बेल पत्थर का पेड़, बतला दे जा, ये भी बतला दे हमारे देश में वहाँ कारतूस बने, वहाँ बंदूक बने,
जासूस से दे दो, मुश्किल से तो भगाए साल है, और मुझे रात को नींद भी नहीं आई इस चक्कर में, मगर कुछ ना कुछ काम बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे काम, बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे, चले जाओ, चले जाओ, मैं खत्म, और जान से मार दूँगा। शेख चिल्ली को पागल मान रहे हो, पागल मान रहे हो शेख चिल्ली को, ये बता दे फिर, ये साले इधर कहाँ गए अंग्रेज की औलाद, साले को मैं देखूंगा। मजबूत भी है, मजबूत है। अब देख शेख चिल्ली की चाल। अच्छा क्या चाल है भाई? वो कहते खाने के लिए जाओ, देखो ये ना है इनका की जाल खोल लेंगे। अरे बोलो तुम नीचे जाओगे हमें? अबे मुझे बुढ़ापे में मरवा रहे, तू नीचे भेज गए ठीक है तो मैं नीचे जाऊंगा बांध के। जब मैं वो नीचे था ऊपर वो आने को कहूंगा ना तब तब कहूंगा खचक दान। चौधरण घर का ताला वाला भी ठीक से लगा दिया? लगा दिया। सो जा। ठीक है तो सो जा। सो जा सो जा सो जा, हर वक्त ऐठती रहे, दिन हो जा रहा। Thank you.